सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चिनूक हेलीकॉप्टर की। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को 4 चिनूक हेलीकॉप्टर मिल गए हैं, तो जान लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में और भारत के लिए चिनूक की अहमियत क्या है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारतीय वायुसेना के लिए 4 चिनूक हेलीकॉप्टर की आपूर्ति कर दी है, तो अब ये चिनूक भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। और चिनूक की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो चिनूक वही हेलीकॉप्टर है जिसकी मदद से अमेरिकी सेना ने लादेन को मार गिराया था। यानी कि जब लादेन को मारा गया था तो चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता से ही ये मिशन को सफल किया गया था, तो चिनूक ने बहुत सहायता की थी उस समय उस मिशन को सफल करने में। इसके साथ ही वियतनाम और इराक के युद्धों में भी इसे शामिल किया गया था। और इसका उपयोग जो किया जाता है वो है सैनिक हथियारों के लिए, उपकरणों के लिए, सैनिकों के लिए और ईंधन ढोने के लिए मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मानवीय ये और आपदा राहत अभियान जो है उनमें ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसकी क्षमता है 9.6 टन वजन तक उठाने तक की। तो जब ये इतना अधिक वजन उठा लेता है तो इसकी सहायता से तोप, भारी मशीनरी, बख्तरबंद गाड़ियाँ, ये सब लाने ले जाने में बहुत सहायता मिलती है। तो यानी कि ये इन सब को लाने ले जाने में सक्षम है। भारत अपाचे का इस्तेमाल करने वाला पूरे विश्व में 14वां देश है और चिनूक का इस्तेमाल करने वाला भारत पूरे विश्व का 19वें नंबर का देश है। यानी कि 19वां देश है जो चिनूक का इस्तेमाल करेगा। भारत की दृष्टि से इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है चिनूक की? तो चिनूक इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है भारत के संदर्भ में। भारत की जो भौगोलिक संरचना है वहाँ पर ऊंची पहाड़ियाँ भी हैं, तो ये ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में हर तरीके की सामग्री पहुंचाने में यहाँ पर मददगार होगा। और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण सामग्री भी चिनूक की सहायता से आसानी से पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि बहुत अधिक वजन एक बार में ही उठा लेता है, तो इसलिए एक बार में ही काफ़ी सामग्री सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाई जा सकती है जिससे कि सड़क निर्माण किया जा सके। इससे क्या होगा, जो भारतीय सीमाएं हैं वहां पर भारतीय सीमाओं पर एक ढांचागत विकास होगा जिससे भारतीय सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी और पड़ोसियों पर नज़र भी रखी जा सकेगी। तो चिनूक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए आज के वीडियो में शामिल किया है। आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लगातार साथ बने रहिएगा क्योंकि कमेंट लगातार करते रहिएगा क्योंकि ये हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।